आज हमारे ट्रिप का डे थ्री है और कल रात को हमने होटल जा लिया था, वो हमने रूम तो आपको दिखाया नहीं था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। रूम के एंट्रेंस है, ये छोटा सा बाथरूम है और ये रूम है। राजमा गिर गए थे कल नीचे खाते खाते, ये जो दाल गिराई हो तो दिखा दे। दिखा तो दिए, राजमा गिर गए थे। बाकी वुडन वो है सारा, हर चीज़ वुडन। और 1000 रुपये दिया था हमने कल इसके, बड़ी मुश्किल से मिला ये भी। और रूम से व्यू ऐसा है कुछ, चलो ये देखो। चलो अभी नीचे आते, बाइक को सामान बांधते, आज मंदिर जाएंगे। कल तो हम मंदिर जा नहीं पाए थे, बीच रास्ते में रुक गए थे, बारिश हो रही थी, क्योंकि आज जाते हैं मंदिर, फिर आके देखते हैं उसके बाद क्या करना है। आज होटल से निकल गए हम और अब अपनी बाइक की तरफ जा रहे हैं। बाइक में सामान बांधेंगे, अब सामान बांधते हैं पहले, फिर मिलते हैं आपसे। चलो आज हम रेडी हो गए, हमने बाइक देख लो और लगे, ठीक है। अब आगे जाके बीच में अगर रुकते हैं तो आपसे मिलते हैं। गाइस अभी हमें हवा को लग रहा था कि बाइकों में हवा कम है, तो हवा चेक करवाने के लिए रुके थे, बट ठीक ही है, हल्की फुल्की सी कम की ऐसा लग रहा था। बस यहाँ से 3.5 घंटे का रास्ता है, तो 4 घंटे मान के चल लो मंदिर का। होटल एक अभी वहीं जाएंगे, फिर उसके बाद प्लान करेंगे कि वापस चकराता है या विकास नगर है या मशहूर जगह। जो हवा चेक करवा लिया है, जैसे 5 या 10 रुपये लगे, बस वो देते हैं और फिर निकलते हैं। यहाँ बीच रास्ते में एक मंदिर और आता है, अभी वहाँ रुके हैं। कोटी कनासर जगह का नाम है। बाइक हमने आई पीछे लगा दिया, ये देखो वो पीछे छोटा मंदिर, यहाँ पीछे टेंट वगैरह लगे हुए हैं, कैंपिंग कर सकते हो, फोटोज वगैरह के लिए तो अच्छी जगह है। बाकी मेन तो मान्यता है मंदिर की, तो एक बार वो दर्शन कर लेते हैं। हम जूते उतार लेते हैं और ये देखो ऐसे यहाँ पे लोग इस पे कैंपर पे चढ़ चढ़ के जाते हैं। अब जो नहीं आ सकते उनको हम दर्शन करवा देते हैं। आ जाओ, ये देख लो, ये मोटा इस पेड़ पे लेट के इसने पेड़ गिरा दिया। ये पेड़ की जड़ वहां से उखड़ गई है, ये मोटा इस पे लेटा है और इस ये पेड़ गिर गया। ये देखो बालू लेटा है पेड़ के ऊपर। गाइस हम पहुंच गए यहाँ मंदिर, अपने बाइक खड़ी कर दी यहाँ पार्किंग में, अभी प्रसाद लेते हैं और अंदर जूते वूते उतारते हैं, फिर चलते हैं। गाइस गोट्स आ गया हमारे साथ पीछे, मैं करते हुए टोकरी को दिखाया। कहाँ भाई जूते तो कहाँ उतारने हैं, मैं तो कह रहा था पहले कर लो, कर लो भीड़ हो गई है। और बाहर से व्यू ऐसा देख लो, बहुत ही बढ़िया जो जगह पे बना हुआ है। बारिश वाला मौसम हो रखा है, मस्त। गाइस ये देखो, ये पत्थर उठाना होता है, अपने कंधे पे रखना होता है, बहुत भारी होता है, एक छोटा और एक बड़ा।
छोटा तो लोग फिर भी उठा पा रहे लेकिन बड़ा कोई नहीं उठा पा रहा। क्या लगता है उठा पाएगा ये? एक और बंदा ट्राई करना है भाई। ये नहीं उठ पा रहा गाइस। गाइस एक और पाल क्या गई सामने से देखो। बाहर आ गए बाइक की पूजा कराने के लिए। यहाँ बाइक की पूजा हो रही है हमारी, जिसके लिए हम मेन यहाँ पे आए थे। मेन तो इसी के लिए आया था हम यहाँ पे मंदिर, जहाँ पे हमारा पाना था। और यहाँ से व्यू देखो ये आप। बारिश होने वाली है गाइस, बारिश। गाइस चाउमीन खा लो, उस बिहारी को देख लो हेलमेट पहन के चाउमीन खा रहा है। यहाँ पे गाइस आंधी तूफान आ चुका है, अब पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मिट्टी बहुत तेज उठ रही है, बहुत ज़्यादा ही तेज़ उठ रही है। बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश भी ऊपर से स्टार्ट हो गई है सुबह से कुछ। आंधी तूफान चल रही है ना, वो मिट्टी आ जाएगी। चल रहा है, चल रहा है, दिख नहीं रहा अंधा है। देखे? क्या देख दिख नहीं रहा? आंधी तूफान कहते हैं, क्या कहते हैं गाइस। बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, मौसम ख़राब हो गया था, पूरे भीग गए थे हम। तो हम चक्राते तो नहीं जा रहे, अब यहीं बीच में त्योनी में रुक गए हैं। यहाँ पे एक होटल ले लिया आज रात के लिए। अब कल सुबह यहाँ से निकलेंगे और फिर डायरेक्ट दिल्ली जाएंगे। थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा लेकिन कोई नहीं, अब अभी जाते भीग जाते रास्ते में, और वैसे ही बारिश हो रही है तो लैंडस्लाइड वगैरह होने के चांसेस है। यहाँ पे होटल ले लिया, बिल्कुल सस्ता सा होटल मिल गया 500 रुपये में। कहाँ अभी 2-3 हज़ार रुपये में ले रहे थे, लेकिन यहाँ से व्यू एक नंबर का है। अभी होटल से आपको अपने वहाँ से व्यू दिखाता हूँ। सामान निकाल ले बाइक से, व्यू बांध में। चलो गाइस बाइक निकाल के फिर बात करते हैं। गाइस देखो होटल से यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आप लोगों को, बस तुम है ना मस्त। दिखा दो तो अपने में देख स्टेज से। I don't know.